हेलो वीवर्स, वेलकम टू बियास होममेड डिशेस। मैंने आज वर्मीसेली उपमा बनाया है जो कि ब्रेकफास्ट रेसिपी है और वो बहुत मज़ेदार और हेल्दी होती है। आपको मैं बताती हूँ वर्मीसेली बनाने की स्टेप बाय स्टेप रेसिपी। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्मीसेली उपमा बनाने के लिए हमें चाहिए 2 बड़े ग्लास मैंने वर्मीसेली ली है। देखिए हमारी वर्मीसेली कैसी है। तो इसके 2 ग्लास वर्मीसेली के लिए हमें 2.5 ग्लास पानी लेना है। ये परफेक्ट मेजरमेंट है, हमारी वर्मीसेली बहुत खुली खुली और अच्छी बनेगी। और थोड़ा सा करी पत्ता, हरा धनिया, 1 बड़े साइज का मैंने प्याज अच्छे से कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में। 4 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज के, थोड़ा सा राई ली है, थोड़ा सा ज़ीरा ऑयल, कुकिंग ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, ये सब चीज़ें हमें चाहिए। बहुत बिल्कुल कम चीज़ें हमें उपमा बनाने में, वर्मीसेली उपमा बनाने में लगती है। चलिए तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने पैन को गैस पर रख लिया है, फ्लेम को ऑन कर लूँगी और वर्मीसेली इसमें डालकर थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, 1 टीस्पून जितना ऑयल डालूँगी, बस इतना काफ़ी है। अच्छे से चलाते हुए इसे थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लूँगी तो अच्छी हमारी वर्मीसेली उपमा अच्छे से बहुत खुला खुला बनेगा। इसको अच्छे से चलाते हुए हमें भूनना है। इसे भूनने में थोड़ा वक्त लगता है, ये जल्दी जल्दी से कुक नहीं होती। हमें ऐसे चम्मच को अच्छे चलाते हुए इसे भूनेंगे। 2 मिनट तो इसे भूनने में लग ही जाते हैं। हम अच्छे से चम्मच को सारी कढ़ाई में हिलाते हुए भूनेंगे। मैंने फ्लेम को हाई ही रखा है। अच्छे से अब इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी। देखिए अब थोड़ा सा ये हो चुकी है और थोड़ा सा कलर आ जाए तो मैं इन्हें निकाल लूंगी। अच्छे से भूनेंगे तो ये बहुत टेस्टी और खुली खुली बनेंगी। बिल्कुल थोड़ा सा और हो जाए तब मैं इसे दूसरे बाउल में निकाल लूँगी, फिर इसी में मैं इसका मसाला बनाऊँगी। अब मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। गैस को मैंने ऑफ कर लिया है। सारी वर्मीसेली मैंने इसमें निकाल ली है। बिल्कुल कम ऑयल डाला था मैंने। देखिए पैन में बिल्कुल भी हमारे ऑयल नहीं है, बिल्कुल 1/2 टीस्पून जितना डालकर मैंने वर्मीसेली उसमें भून ली है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा इसकी ग्रेवी बनाना उपमा की। थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, ये लगभग 1 बड़ा चम्मच जितना ऑयल मैं डाल रही हूँ। देखिए मैंने गैस को ऑन कर लिया है और हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तब मैं इसमें थोड़ी सी राई डालूंगी, 1/2 टीस्पून जितनी राई डालूंगी। और फिर थोड़ा सा राई, जब फर्स्ट में हम राई डालते हैं उसके बाद जीरा, देखिए जीरा डालूंगी। फ्लेम को लो कर लिया है मैंने। जीरा और राई अच्छे से हो चुकी है तो मैं उसमें हमारी प्याज और ऐड कर दूंगी, प्याज और कड़ी पत्ता। इसको भी हम अच्छे से थोड़ा पिंक कलर आने तक भूनेंगे। प्याज को ब्राउन नहीं करना है हमें, बिल्कुल थोड़ा सा लाइट ही भूनना है। हम जैसे घर में बनाते हैं मैं वैसे ही रेसिपी आपको बताती हूँ, ये रेसिपी हमें बहुत अच्छी लगती है। देखिए प्याज को मैं फ्लेम थोड़ा हाई कर भून लूंगी। अच्छे से चलाते हुए मैं इसे भून लूंगी। देखिए हमारी प्याज अब हो चुकी है, मैं उसमें टमाटर डालूंगी जो मैंने छोटे छोटे पीसेस में टमाटर को कट कर लिया था, वो डालकर मैं अच्छे से भून लूंगी। और इसमें नमक डाल लूंगी, मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है। फिर पानी को मैं लास्ट में चेक कर देखूंगी नमक मिर्च सही है या नहीं,
अब मैं इसमें मिर्च डालूंगी। मैं सारे इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और ये हल्दी ली है, आप हरी मिर्च का भी बना सकते हैं। मैंने एक चम्मच लाल मिर्च लिया था और हाफ टी स्पून जितना हल्दी पाउडर लिया था। इसको अच्छे से मैं भून लूँगी। अब मैं फ्लेम को लो कर इसे थोड़ी देर के लिए ढक कर रखूँगी। अब मैं ढक्कन को निकाल कर देखूँगी। देखिए, हमारे टमाटर सारे गल चुके हैं। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। मैंने 2 ग्लास वर्मीसेली ली है तो 2.5 ग्लास इसमें पानी ऐड कर दूँगी। ये 2 ग्लास हो चुके हैं और 1/2 ग्लास मैं इसमें और डालूँगी। देखिए, मैंने 2.5 ग्लास पानी डाल चुकी हूँ इसमें। फ्लेम को हाई कर लूँगी और नमक मिर्च सही है या नहीं चेक कर लूँगी। नमक थोड़ा और लगेगा और थोड़ा सा मैं नमक इसमें डाल दूँगी और थोड़ा सा हरा धनिया भी मैं डालूँगी। जब पानी बॉईल हो जाए तब उसमें वर्मीसेली डालूँगी। पानी अच्छे से बॉईल होना चाहिए। आप इसमें वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। आप जो वेजिटेबल्स पसंद करते हैं, गाजर मटर, आप वो भी डाल सकते हैं। अब मैं इसे ढककर पानी बॉईल होने के लिए रखूँगी। देखिए, 2 मिनट हो चुके हैं। मैं चेक कर लूँगी हमारा ये पानी वर्मीसेली का जो है पक रहा है। अब मैं उसमें जो मसाले निकाल कर रखे थे, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, वो डाल दूँगी। आप इसके बदले मसाला मैजिक जो आता है पैकेट, वो भी डाल सकते हैं। मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं ये डाल रही हूँ, आप वो भी उसमें डाल सकते हैं। देखिए, फ्लेम को मैंने हाई ही रखा है, इसमें वर्मीसेली डाल लूँगी। अच्छे से पानी में बॉईल आ जाए तभी हमें वर्मीसेली डालनी है। अच्छे से इसे चला लेना है। बस 2 मिनटों में ही ये रेडी हो जाएगी। हमें इसे ज़्यादा बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इसका पानी भी थोड़ा सा ड्राई हो चुका है। इसमें हमें पूरा पानी को ड्राई नहीं करना है और थोड़ा सा पकाएंगे, फिर हम इसको मूछ कर रख देंगे और गैस को ऑफ कर लेंगे। देखिए, मैं इसे ढक रही हूँ, ढक्कन से अच्छे से कवर कर दूँगी। फिर मैं फ्लेम को ऑफ कर लूँगी। पूरा हमें पानी इसका नहीं सुखाना है, सुखाएंगे तो थोड़ा वो हार्ड हो जाएगी। देखिए, मैं फ्लेम को ऑफ कर लूँगी। इसमें थोड़ा सा पानी बाकी था, अब मैं फ्लेम पर हाई पे ही रखा था, अब मैं ऑफ कर लूँगी। 2 मिनट के लिए ऐसे ही ढके रहना है, फिर हम वर्मीसेली को डिश आउट करेंगे। 2 मिनट मैंने इसे ढाँक कर रखा था, अब मैं चेक कर लूँगी। देखिए, कितनी अच्छे से दम हो चुकी है हमारी वर्मीसेली। मैं आपको दिखाती हूँ, और नीचे भी कुछ भी हमारा पानी बाकी नहीं है। अच्छे से खुली खुली बनी है हमारी वर्मीसेली। देखिए, आ रहा है ना मुंह में पानी। आप भी इसे घर पर बनाइए और एंजॉय कीजिए। मुझे कमेंट्स में बताइए कि हमारी वर्मीसेली आपको कैसी लग रही है, इसका टेस्ट कैसा है।